आप सबों को नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं चंद्रकांत पांडे राइटर और डायरेक्टर हूँ, दिल्ली सिनेमा करता हूँ बॉम्बे से। ये मेरी टीम है, हम लोग जय राजा साहब जी फिल्म के बैनर तले एक फिल्म कश्मीर में शुरू करने आ रहे हैं जिसका नाम है स्कीम एक जुगाड़। मेरे दाई तरफ बैठे गुलशन पांडे जी हैं, ये वैसे तो कई सिनेमा और टीवी शोज में आपने इनको देखा है, लेकिन पॉपुलरली आप इनको क्राइम पेट्रोल के पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पे ज्यादा समझते हैं। उनकी दाई तरफ आदि रानी साहब बैठे हैं, हिंदी सिनेमा में किसी परिचय के मोहताज नहीं, 35 साल से ऊपर इनका सफर रहा है हिंदी सिनेमा में। आपने इनको बाजीगर, बादशाह, बेटा और न जाने कई फिल्मों में एक अहम किरदार निभाते देखा है। टीवी शोज में भी ये काफी पॉपुलर हैं, घर घर में इनका परिचय है। उनकी दाई तरफ नीतू पांडे जी बैठी हैं। नमस्कार। सिनेमा की बात करें तो आपने इनको हाल ही में सत्यमेव जयते में देखा होगा, तनु वेड्स मनु में देखा होगा, और टीवी सीरियल तो कहना नहीं है, हर घर में नीतू पांडे पहुंची हुई है बहुत ही आसान तरीके से। उनके दाई तरफ हमारे दोनों कर्ता धर्ता श्री राजा साहेब जी प्रोडक्शन के दोनों डायरेक्टर जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। तो ये हमारी टीम है, हम आपके पास एक फिल्म लेके आ रहे हैं स्कीम, जो एक कश्मीरी परिवार की कहानी है। एक मामूली परिवार जो बहुत खुशहाल है, और उस परिवार के अंदर एक ऐसा, उस परिवार के अंदर अचानक से कुछ एक ऐसा समस्या आ जाता है जिसको दूर करने के लिए जो हमारा हीरो है वो एक जुगाड़ में फंस जाता है, वो एक स्कीम का सहारा लेता है जिसे हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उसको किसी ने अपना स्कीम पकड़ा दिया और वो इस स्कीम से निकलने के लिए दूसरा स्कीम लगाना पड़ता है, और फिर इस स्कीम को तोड़ते तोड़ते वो इतनी बुरी तरीके से फंस जाता है वो परिवार। जैसा आप सभी जानते हैं कि आजकल नौजवानों के बीच घर परिवार में मोबाइल फोन कितना अहम हो गया, हर किसी को मोबाइल फोन चाहिए और सबको बढ़िया से बढ़िया फीचर वाले मोबाइल फोन चाहिए। तो आजकल के बच्चों के बीच बड़े बड़े फोन का क्रेज है, तो ऐसे ही मोबाइल फोन के चक्कर में इस परिवार ने एक स्कीम ले ली, उस स्कीम के पीछे वो परिवार परेशान हो गया, और फिर कैसे वो उस मोबाइल के स्कीम के कर्जे के चक्कर से बाहर निकलता है, ये कहानी पूरी उसके ऊपर है। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड पृष्ठभूमि कश्मीरी है, कश्मीरी परिवार की कहानी। आदाब आप सबको और जो भी आपको देखने वाले हैं उन सबको, क्योंकि बहुत सारा प्यार मुझे कश्मीर से भी मिलता रहा है। तो ये फिल्म जो स्कीम है, हमारी ये फिल्म में कोई बहुत बड़ा स्टार हम लोग नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कहानी है ये अपने आप में बहुत ही बड़ी है। मतलब एक ये सब्जेक्ट ही हीरो है, हर घर में हर मिडिल क्लास फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को अपने अपने तरीके से हम सब हैंडल करते हैं। और हमारा ये फिल्म में जो पूरा परिवार है, जो कैरेक्टर जिनके घर में ये मुसीबत आ गई है, जो परेशानी आ गई है, उसको वो हैंडल जो कर रहे हैं, वो जो तरीका हम लोगों ने दिखाया, जो अब जैसे मैं एक बैंक मैनेजर हूँ, वो कैसे मैं सारी चीजों को हैंडल करता हूँ, और मैं जहां पे भटक रहा होता हूँ वहां वो मेरी वाइफ का रोल कर रही नीतू पांडे जी, वो किस तरीके से अपने परिवार को संभालती है, फिर हम उसके साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो बड़ी बड़ी खूबसूरत ये कहानी है, और जब मेरे को सर ने ये कहानी सुनाई थी तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कश्मीर में होने वाली है, तो ये बहुत ही प्यारी जगह है, धरती पे जन्नत जिसको कहा जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पिक्चर को करने के लिए कश्मीर में हैं, और ये राजा जी प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर्स हमारे दोनों मित्र बैठे हुए हैं प्रोड्यूसर्स, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि चंद्रकांत जी ने जैसे ही नाम सजेस्ट किया तो इन्होंने मेरे लिए हाँ कर दिया। तो बस बहुत अच्छा सा काम यहाँ करेंगे, और यहाँ के बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे साथ काम करेंगे, सर ने हमसे कहा था, तो बड़ा मजा आएगा, वो भी देखेंगे कि कैसे हम लोग कितनी आसानी से कितने प्यार से काम करेंगे। और अब मैं सर को बोलूंगा कि अब हमारे दूसरे अहम किरदार हैं आदि रानी साहब। हेलो जी, नमस्कार और आदाब, और हर लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग, वेलकम सब कुछ। आप सबको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ इंस्पेक्टर का इसके अंदर, और इंस्पेक्टर का कैरेक्टर बहुत बहुत अहम कैरेक्टर है जो इनको नहीं छोड़ेगा।
परेशान करता रहे, इनको भी परेशान करता रहे। तो फाइनली विलन का कैरेक्टर है, वो विलन का कैरेक्टर निभा रहा, सस्पेंस नहीं बताऊंगा, सस्पेंस जो वो बाद में अपने डायरेक्टर साहब ये तो सस्पेंस के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन विलन का कैरेक्टर मैं जरूर करूँ, उतना मैं बोलूंगा। बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर, बहुत ही बढ़िया। एंड इसके लिए मैं थैंक यू आपको बोलूंगा कि आपने मेरे बारे में सोचा, और मेरे बारे में सोचने के लिए इन्होंने उनको मजबूर किया। मैं सोच इनको ऐसे नहीं कर देता नहीं विषय, बट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, इंस्पेक्टर का कैरेक्टर जो गुत्थियों को और गुत्थियों में डालता रहता है, स्कीम को और स्कीम को और ज्यादा फंसाता जाता है। तो इससे ज्यादा आपको अपने कैरेक्टर के बारे में आपको नीतू जी बताएंगे। तो आप इसमें इंस्पेक्टर भी हैं और विलन भी है। इंस्पेक्टर और विलन, इंस्पेक्टर तो दो किस्म के लोग होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन आपको कितना अच्छा वो एंड में पता चलेगा, कितना बुरा वो एंड में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है कि जो लाइफ में इन्होंने किया वो मैं कर रहा हूँ इसमें, और जो फिल्मों में मैं करता हूँ वो बदला अदला बदली कर लिया। ये भी हमारी एक स्कीम है नीतू जी। नमस्कार, मेरा नाम नीतू पांडे है। बेसिकली मैं लखनऊ से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉटअप लखनऊ से हूँ, लेकिन अभी 16-17 साल से मैं मुंबई में ही रहती हूँ, और टीवी सिनेमा मतलब काफी काम किया हुआ है। और मैं यहाँ गुलशन जी के वजह से हूँ, गुलशन जी ने मुझे 2-4 दिन पहले इस फिल्म के बारे में बताया, चंद्रकांत जी के बारे में बताया, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा ठीक है। और वो भी वही एक रीजन, कश्मीर आना कौन नहीं चाहता है। मैं 2012 में यहाँ शूट के लिए ही आई थी, उसके बाद 12 साल बाद 2024 में मुझे फिर से मौका मिला। तो थैंक यू गुलशन जी, चंद्रकांत जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, जो जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं और आप सब हमारे साथ हैं। तो मेन तो हम आप लोगों को थैंक यू करते हैं। दूसरा रही फिल्म की बात, तो मेरा जो किरदार है, मैं गुलशन जी की धर्मपत्नी का कैरेक्टर कर रही हूँ। हम लोग पहले भी बहुत बार काम कर चुके हैं, क्राइम पेट्रोल में इन्होंने कई बार मुझे लथाड़ा भी है, जब मैं क्राइम करती थी ये पुलिस वाले बनते थे तो इन्होंने मुझे सजा भी दी है। फिर हमने कई शॉर्ट्स फिल्म में हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर भी किया है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, इसमें भी मैं हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे हैं। और ये बैंक मैनेजर है, और जो मेरा किरदार है कि वो जब भी परेशान होते हैं या जब भी उनको ऐसा लगता है कि मैं अब इस सिचुएशन से कैसे करूं, यहाँ एक बंदा या बंदी फंस गए हैं, मैं उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपनी कुर्सी की वजह से, लेकिन मैं करना चाहता हूँ एक इंसान होने की हैसियत से, तो मैं वहां पे गुलशन जी को बहुत सपोर्ट करती हूँ। एक सपोर्टिव वाइफ जैसे एक भारतीय नारी होती है, वैसा ही मेरा किरदार है, होपफुली कि अच्छा ही करूं मैं। और बस थैंक यू सो मच। अब आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन दोनों के साथ, इन दोनों का, इसलिए कि इन दोनों की वजह से मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, और इसलिए कि ये फिल्म हो रही है इन दोनों की वजह से, और शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि मैं 26 साल के बाद कश्मीर आ, 26 साल के बाद। उससे पहले मैं 1984 में आया था एक फिल्म करने के लिए, आसमान से ऊंचा करने के बाद मैं कुछ गैप के बाद में आया था 1998 में एक फिल्म करने आया था, तो वो फिल्म करने के बाद वो 1998 में किया था, उसके बाद में आया ही मैं कभी कश्मीर। कश्मीर मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद, यहाँ के अखरोट बहुत पसंद, यहाँ के बादाम बहुत पसंद। मैं दुबई भी गया हूँ, वहां के भी बादाम अखरोट डाल, लेकिन जो यहाँ के अखरोट और बादाम में मिला है मिल जाएंगे सर। अरे सर लेकर जाऊ। अब मैं तारुक कराता हूँ, मेरे प्रोड्यूसर, अब वो अपने बारे में दो शब्द बताएं। गुड इवनिंग सभी से आने के, सभी का मैं वेलकम करता हूँ। मेरा नाम ज्योतिवीर सिंह, मेरे साथ मेरे बड़े भैया भूपेंद्र सिंह, हमारी बैनर है जय राजा साहब जी प्राइवेट लिमिटेड, हम फिल्म कर रहे हैं। चंद्रकांत भैया ने मुझे ये स्टोरी सुनाई, जब मुझे बहुत बढ़िया लगी कि हाँ ये फैमिली स्टोरी है, कि हर घर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई, अब अगर हम रोटी खाते हैं जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ करना पड़ता है हमें, इसलिए मुझे स्टोरी बहुत बढ़िया लगी, इसलिए हम ये घर घर पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। ऐसे ही हर किसी स्कीम में फंसकर अपनी जिंदगी को ऐसे प्रॉब्लम में झोंक नहीं देना चाहिए,
लोन फोन पे भी लोन अवेलेबल है ना, आपके पास भी कई मैसेजेस आते होंगे, तो ये सब एक्चुअली ये अवेयरनेस की फिल्म है। सबको क्या, सबके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमें किन किन स्कैम से दूर रहना है। अगर हम लोन लेते हैं तो लोन की रिकवरी भी होती है, तो लोन की रिकवरी के तरीके अलग अलग होते हैं। लोग आजकल उससे डिप्रेशन में आ जाते हैं, लोन नहीं चुकता कर पाते हैं, अभी आप सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं। अगर आपने लोन लिया है तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा रही है। ये अवेयरनेस की फिल्म है एक्चुअली।